ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिससे कि डेली डेली आपकी डलनेस की समस्या दूर होगी, आपकी स्किन में कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि कुछ भी का मतलब है कोई भी एक्ने, पिंपल्स और या फिर पसीने या ब्लैकनेस, यानी कि जिनकी स्किन सांवली है उनकी और ज्यादा निखरेगी। कभी कभी क्या होता है, कभी क्या ऑलमोस्टली जब हम अपने खुद से अपनी चीजें करने लगते हैं, चाहे हम फेशियल करवाने पार्लर में जाएं या फिर हम मसाज करें घर पे, यानी कि हम सब कुछ अपने तरीके से करते हैं, वहां पे हमारी स्किन जो होती है हम उतना ध्यान नहीं दे पाते, सो हमारी स्किन डलनेस होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है फेस पे, कोई दाग धब्बे नहीं है, फिर भी फेस हमारा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लगता है और बिल्कुल उसमें चमक नहीं होती। सो उस चमक को आप भी बरकरार रख सकते हैं, डेली रख सकते हैं और आगे आने वाले इन फ्यूचर तक भी रख सकते हैं। आपको सारी चीजें आपके खुद किचन में ही मिल जाएंगी, बस आपको नजर उठा के देखने की जरूरत है। सारी चीजें घर में ही मौजूद रहती हैं दोस्तों, कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ता है। बस ये है कि आप लोग उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी स्किन टोन ही नहीं पता होती कि उनकी स्किन कैसी है। कभी उनकी स्किन ऑयली हो जाती है तो उनको लगता है ऑयली है, कभी होती है नॉर्मल तो उनको लगता है नॉर्मल। सो ये सारा चीज जो चेंजेस होते हैं वो वेदर की वजह से होता है। कभी वेदर बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा स्वेट आते हैं तो आपको लगता है ऑयली हो गया, कभी नॉर्मल है स्वेट नहीं आया तो आपको लगता है नॉर्मल। तो सो ऐसा नहीं, आप अपनी स्किन पहचान सकते हैं कि आपकी स्किन टोन कैसी है। सो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अगर आप स्टेप चीजें करते हैं तो आपकी स्किन में अलग ही लुक देखने को मिलेगा। सो आज की जो रेमेडी है ये ऑल स्किन टाइप से, जैसे कि मैं हमेशा ही लेके आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी इस्तेमाल करें वो सभी को ये सूट करे। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को ये इस्तेमाल अच्छे से करे और बाकी लोगों को सूट ना करे। सो ऐसा नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप से, इसे जेंट्स, लेडीज और लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। आपको इसे बना के भी रख लेना है, कोई भी इसमें झंझट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना होगा। जैसे कि टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत पैम्पर होती हैं, मतलब अपनी स्किन के लिए काफी ज्यादा केयरिंग होती है, बहुत केयर करती हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा तो ऐसे काम होते ही नहीं है जैसे कि हम लेडीजों के पास होते हैं। यानी कि हाउसवाइफ जो होती हैं उनको अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर के काम होते हैं, खुद के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं और खाना बनाना सारा चीज जब हो करके वो रात में सोने के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा 15 मिनट का जो टाइम होता है ना, जो कि हम आपसे कहते हैं स्किन केयर करने के लिए, उस समय उन लोग को ऐसा लगता है कि यार 15 मिनट इसमें देंगे फिर हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और सोना ज्यादा जरूरी है, सो जाते हैं और कल कर लेते हैं। सो कल कल पे ये इसी पे पड़ा रह जाता है और आप उस पे स्किन अपनी केयर नहीं कर पाती। सो 15 मिनट अपने लिए निकालिए सोने से पहले और डेली इसको अप्लाई कीजिए एज अ रूटीन। जैसे आप काम करते हैं घर का, तो बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से कीजिए कि ये हमारे रूटीन में है और हमें इसे करके बिना मतलब करके ही सोना है, उसके बिना हमें नहीं सोना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि और लोग इसके बेनिफिट ले सकें और अपने स्किन को बिना किसी दाग धब्बे, बिना किसी चिपचिपाहट के, बिना किसी डलनेस के, डार्कनेस के बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाए और चेहरे को निखारे। वीडियो में न्यू है, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ ताकि कोई भी अपडेट आपसे, नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को। इस एवरी नाइट पैक बनाने के लिए आपको जो मैं पैक बता रही हूँ उसको आप लंबे समय के लिए बना के रख सकते हैं एंड फिर डेली उसमें से थोड़ा सा निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उस पैक को बनाना कैसे है और किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें मिला करके उसे आपको बना के रखना है। तो उसमें आपको यहाँ पर लगेगा 1 चम्मच के करीब चंदन पाउडर। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कम बनाना चाहते हैं तो इसको इसकी क्वांटिटी यानी कि 1 वीक का बना के रखना चाहते हैं तो भी आप इसको बना के रख सकते हैं। सो 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे चंदन पाउडर ले लिया। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पाउडर। सो 1 चम्मच के करीब हमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर भी ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए हल्दी, अगर कस्तूरी हल्दी है या आबा हल्दी है तो वो आप इस्तेमाल कीजिए, अगर वो नहीं है तो आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिलती है ये हल्दी, क्योंकि ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर नहीं है फिर भी, यानी कि रात में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा यहाँ आप केवल पिंच आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, तो मैं
आधा चम्मच के करीब कस्तूरी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। एंड सबसे सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे ऐड करना है नीम पाउडर, जो कि एक्स्ट्रा पिंपल्स एंड एक्ने स्कार्स मार्क्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ये एंटीबायोटिक होता है और आपकी स्किन से जितने भी डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करता है, और साथ ही साथ गंदगी को, इम्प्योरिटी को, यानी कि पूरी तरह से हटा देता है। सो हाफ स्पून के करीब हमें यहाँ पे नीम पाउडर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है इस तरीके से। सो हमारा ये जो डेली रूटीन वाला पैक है, नाइट पैक है, वो बन के रेडी है। अब इसे आपको अप्लाई कैसे करना है और इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ डाल के आपको ऐड करना है, ये चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पाउडर फॉर्म में बन के रेडी हो गया है, सो आप इसको किसी कंटेनर में रख लीजिए और डेली रात में इसमें से थोड़ा सा निकाल के आपको इस्तेमाल करना है। सो गाइज, इसे इस्तेमाल करने के लिए अगेन छोटा सा आपको बाउल ले लेना है, यानी कि डेली की रात में आपको इसको कैसे करना है। तो जैसे कि ये पाउडर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं वो सारी आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद डेली रात में आपको करना क्या है, आपको आधा चम्मच के करीब यहाँ पे इतना पाउडर ले लेना है इस तरीके से, और इसमें ऐड करना है दही या फिर कच्चा दूध। यानी कि अगर रात में दही आप नहीं लगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को दही सूट नहीं करती है, सो ये वहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ पे कच्चा दूध, या फिर रोज़ वाटर भी ले सकते हैं अगर दूध भी सूट नहीं करता तो एक चम्मच के करीब आपको लेना है यहाँ पे दही। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल डालना है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वर्जन, यानी कि तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वर्जन कैलर ऑयल, यानी कि ये जो ऑयल होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, यानी फ्रेश मीन्स एकदम हम प्योर होता है। जो नॉर्मल ऑयल आता है नारियल का, वो उसमें थोड़ा सा वो फिल्टर किया हुआ होता है, तो वो वर्जन नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर होता है। सो अगर आपके पास ये नारियल का तेल नहीं है तो आप कोई एनदर ले सकते हैं यहाँ पे, यानी कि पैराशूट ऑयल ले सकते हैं, बादाम रोगन ले सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल का, यानी कि जो आपकी स्किन पे सूट करता हो वो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है स्किन के लिए। सो हमें इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें ऐड करना है इसमें इतना, और इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद इस पैक को अच्छे से यहाँ पे मिला करके इसका पेस्ट आपको रेडी कर लेना है। सो गाइस, हमारा ये पेस्ट रेडी हो गया है। इसको बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसे लिक्विड नहीं करना है, थिक ही पेस्ट रहना चाहिए, और इतना ही आप डेली पाउडर लीजिए ताकि जो भी है वो आपके फेस पे, यानी कि चेहरे पे और गले में लग के और पूरा ख़त्म हो जाए, उसे बचाने ना पड़े। यानी कि आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है कि बच जाए तो आप सोचें कि इसको फ्रिज में रख दें या कहीं और रख दें, उसके बाद फिर से अगेन हम यूज़ कर लें, सो ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको पाउडर फॉर्म में बताया कि आप इसको बना के रख सकते हैं और डेली आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके पहले क्या स्टेप है ज़रूरी जो है हमें करनी है। इसको अप्लाई कर लेते हैं फेस पे, और अप्लाई करने से पहले का जो स्टेप है, जो कि मेन स्टेप है, वो हमें क्या करना है, चलिए आइए देख लें। पैक बन के रेडी है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं फेस पे। पर फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, ओनली 15 मिनट का काम है और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं लगना है। सबसे पहले आपको लेना है रोज वाटर या कच्चा दूध या प्लेन वाटर ले लीजिए, और इस तरह के कॉटन बॉल्स ले लीजिए या नॉर्मल जो कॉटन आपके घर में रखी रहती है, रुई रखी है उसको ले लीजिए, और इसमें से आपको एक कॉटन बॉल्स को निकाल लेना है, यानी कि रुई को आपको ले लेना है इस तरीके से, और रोज वाटर को इसमें डिप कर देना है इस तरीके से। सो रोज वाटर को डिप करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबको अच्छे से पता है, आपको इसे अपने फेस पे क्लींस करना है। क्लींस करना बहुत जरूरी होता है रात में, हम डेली, बहुत सारे लोग होते हैं कि वॉश करके सोते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। सो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा क्लींसिंग का काम करता है। रोज वाटर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश कर देता है, फ्रेश फील करता है, और आपको ऐसा लगता है कि हमारा फेस बहुत ज्यादा हल्का हो गया, क्योंकि जो धूल धब्बे होते हैं ना वो हमारे स्किन से हट जाते हैं इसके द्वारा। सो क्लींस कर लेंगे यहाँ पे अपने फेस को हम। आप चाहे तो इसको पूरे नेक एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ फेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसको ज्यादा देर तक अपने फेस पे नहीं रखना है, यानी कि जब ये सेमी ड्राई हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्लींस कर लिया अपने फेस को,
और जब ये सेमी ड्राई हो जाए तभी आपको निकाल देना है, क्योंकि इसमें मिक्स किया गया है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी जब ज़्यादा सोखती है, मतलब अपनी आपकी स्किन से, आपको अच्छे से पता है कि ये स्किन के ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देती। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी स्किन स्किन नॉर्मल ऑयली है या जिनकी स्किन नॉर्मल सेंसिटिव ऐसी है, उनकी स्किन से ये एक्स्ट्रा ऑयल, यानी कि आपके फेस के स्किन के अंदर जो ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, उसको भी ये खींच लेती है। इसलिए इसको ज्यादा देर तक फेस पे नहीं रखना है। सो यहाँ पे अपने हैंड का यूज करना है, ब्रश नहीं लगाना है, हैंड यूज करना है और फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, आंखों के नीचे एंड पूरे जगह पे इसे अप्लाई कर लेना है। तो ये मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। मसाज करते हुए अप्लाई करते जाइए, और क्योंकि बाद में अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मुल्तानी मिट्टी है, चंदन पाउडर है ठंडक देने के लिए, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और कस्तूरी हल्दी, दही, ये जितनी चीजें हैं वो सब आपके स्किन पर से जितने भी धब्बे हैं, चाहे झाइयां हो, चाहे आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम हो, ये सबको दूर कर देती है, क्योंकि इन जितनी चीजें मिक्स की गई हैं ये सभी बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है और एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है अपनी तरफ से। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको बता सकती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, बिकॉज ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत अच्छा है पैक। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे आपसे बात करते करते पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, और इस तरीके से इसको हल्का सा मसाज करते हुए इस तरीके से मसाज करते हुए आपको छोड़ देना है और ड्राई होने देना है। तो ड्राई होने देने के लिए वही करना है आपको, इसको सेमी ड्राई होने देना है, यानी कि आधा सूखना है और आधा ये गीला रहे, और तभी आपको इसे, चाहे तो आप एक टॉवेल को ले लीजिए या छोटी हैंकी आपके पास हो, उसको मतलब पानी में डिप करके अच्छे से स्क्वीज करके उस समय आप छुड़ा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हल्का सा पानी इसमें स्प्रे करके उसके बाद आप हल्के से हाथों से रब करते हुए इसे पूरे फेस से निकाल दीजिए। तो डेली आपको बस यही करना है। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, एंड इसके बाद इसे अपने फेस से निकाल करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है, सो आप देख सकते हैं डेली स्टेप आपको करना है, और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपको अपने फेस पे लगाना है, वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। और ध्यान रखिए आपके लिप्स के अंदर या फिर माउथ अराउंड, मतलब अच्छे से लगाइए, क्योंकि इसमें नीम भी इस्तेमाल है। नीम थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये आपकी स्किन से सारी गंदगी को दूर भगा देती है। एक्स्ट्रा जिसके एक्ने पिंपल्स निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा पेन वाले होते हैं, उनको भी ये दूर कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।